अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है एसोसिएशन, चैप्टर नंबर 15। अब जैसे कि आपको पता है, रिग्रेशन और कोरिलेशन में हमने देखा था वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप चेक करना हो तो हम रिग्रेशन या फिर कोरिलेशन के थ्रू चेक करते हैं। अगर हमारे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो जाएँ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप चेक करता हो तो हम एसोसिएशन के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एसोसिएशन में मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल में आपको पता है कि कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी ग्रेड चेक करना हो तो हम यही कहेंगे ना, एक्सीलेंट, गुड, पुअर, इस तरह से होते हैं। किसी भी ग्रेड या किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन हो उसको हम एसोसिएशन के थ्रू करते हैं। मैनी एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली इन सोशल साइंस रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन डेट आर ओनली क्लासीफाइड इन टू कैटेगरीज सो डेट द डेटा कैन कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी काउंट। अब इसमें फ्रिक्वेंसी काउंट डाटा होता है हमारे पास, ठीक है, याद रखना, काउंट डाटा फॉर द कैटेगरीज। कैटेगरीज में हमारे पास डाटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया पुअर, मॉडरेट, रिच, इस तरह से अगर कुछ चीज़ चेक करनी हो तो कैटेगरीज में डाटा होता है, हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टू इनकम ग्रुप्स एज वेरी रिच, मॉडरेट, पुअर, मैनुफैक्चर्ड आइटम्स मे भी क्लासीफाइड एज बींग एक्सीलेंट, गुड, पुअर, बैड कंडीशन। इन अ सर्वे ऑफ जॉब कंपेटिबिलिटी एम्प्लॉयड पर्सन मे भी क्लासीफाइड एज बींग सेटिस्फाइड, न्यूट्रल एंड डिससेटिस्फाइड। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के लेवल्स हैं या कैटेगरीज हैं। जब कैटेगरीज में बात होगी तो हम एसोसिएशन लगाएंगे। फिर देयर जॉब्स इन प्लांट ब्रीडिंग दस ऑफ सिटिंग्स ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन मे बी ग्रुप इन टू सेवरल जीनोटाइप्स। रेनफॉल में भी क्लासीफाइड हैवी, मॉडरेट एंड लाइट। अब आपको पता है रेन कभी हैवी होती है, मॉडरेट और लाइट भी होती है। ईच हाउस होल्ड में भी क्लासीफाइड ओनिंग नो कार्स, वन कार और टू और मोर कार्स। ठीक है, अब ये हर चीज़ की कैटेगरीज, अभी तक आपने जितनी भी एग्जाम्पल्स देखी हैं सब में कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं डिफरेंट। अवर एम हेयर इज टू प्रजेंट सम इंफ्लुएंशियल प्रोसीजर डेट कैन बी यूज टू स्टडी डेटा डेट क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं बेसिकली। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज अ रिलेशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि अब आई कलर भी हो सकते हैं इसमें भी, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जाम्पल्स देख ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीनोमियल पॉपुलेशन क्या होती है। अब आपने जो है डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, ये लर्न करनी है, जस्ट रीड नहीं करनी है। आप कोई चाहे तो डेफिनेशन की कोई बुक ले लें या इसी में से आप मार्क कर करके याद करनी है आपने। मल्टीनोमियल पॉपुलेशन क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड भी करना है और लर्न भी करना है। देन ईच एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज असाइन टू वन एंड ओनली वन ऑफ मोर देन टू एट्रीब्यूट कैटेगरीज द पॉपुलेशन इज कॉल्ड मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। ठीक है, अब किसी भी पॉपुलेशन में हमारे पास मोर देन टू एट्रीब्यूट्स या कैटेगरीज आते हैं तो वो हमारी मल्टीनोमियल पॉपुलेशन कहते हैं। मल्टीनोमियल पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट क्या होते हैं हमारे पास? अब क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्वालिटेटिव, तो कह रहे वहाँ पर आपने पढ़ा था कि इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अब देखिए, हमने वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है क्वालिटी में वेरी करेगी। ठीक है, क्वालिटी में वेरी करेगी तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव डाटा। एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूट आर मार्शल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, ब्लाइंडनेस, स्मोकिंग, रिचनेस, ब्यूटी। ठीक है, ये सारे हैं हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर एट्रीब्यूट क्वान्टिटेटिवली। अब ये याद रखें, इनको हम क्वान्टिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हैं। हमेशा इनके लेवल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं या इनकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, कैटेगरीज होती हैं। तो क्वान्टिटेटिव डाटा रिलेटिंग टू एन एट्रीब्यूट मे बी ऑब्टेन सिंपली बाई नोटिंग इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली हम इसकी प्रेजेंस एब्सेंस पे भी कर सकते हैं, येस और नो की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एब्सेंस प्रेजेंस, या जीरो वन की फॉर्म में, जिसकी दो ही कैटेगरीज हों उसको हम प्रेजेंट एब्सेंस की फॉर्म में कर सकते हैं। एंड इन काउंटिंग डेटा हाउ मैनी डू और डू नॉट पोजेस दैट एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लास की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपने याद करते जाना, एट्रीब्यूट्स, मल्टीनोमियल, एसोसिएशन और इनकी एक एक एग्जाम्पल। क्लास एंड क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होता है? अभी क्लास की डेफिनेशन है, अ क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयरिंग अ गिवन करेक्टरिस्टिक। यहाँ तक क्लास की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट, क्लास फ्रिक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास। ये क्लास फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन होगी।
नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वेदर द ऑब्जेक्ट्स डू और डू नॉट पोजेस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस इज कॉल्ड डिकोटोमस. डिकोटोमो. अब इसमें हमारे पास दो किसी भी चीज़ के जब होते हैं ना पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, यानी कि पोजेस या नॉट पोजेस, प्रेजेंस या एब्सेंस, किसी भी चीज़ की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको हम डाइकोटोमो कहते हैं. ठीक है, डाइकोटोमी. अब इन सेवरल, अब उन्होंने नेक्स्ट फर्दर बताया डिटेल में कि आपने क्लासिफिकेशन कैसे करनी होगी ऑब्जेक्ट्स की. द सेवरल एट्रीब्यूट्स आर नोटेड, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन मे बी कंटिन्यूड इंडेफिनेटली. The process, the object that are classified according to as they do not or do, देखिए ठीक है, they do and do not possess, यानी कि किसी चीज़ की दो categories आ गई. The first attribute can be further divided. अब इसमें से होता है first जो do था, लेकिन do possess, उसको further हम divide कर सकते हैं. Further सब divided according to as do or do not possess the second attribute and the object of each subclass can still further be subdivided. अब इसमें वो कह रहे हैं do को फिर हम further दो ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसको फर्दर हम सब डिवीजन कर सकते हैं. स्टिल फर्दर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एज दे डू और डू नॉट पोजेस द थर्ड एटीट्यूड. अब थर्ड में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, एवरी क्लास बीइंग डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस सब क्लासेस एट ईच स्टेप. अब हर एक को उन्होंने कहा है कि आप देखिए किसी चीज के एक और दो पॉसिबिलिटीज थी. नेक्स्ट फर्दर हम जाएंगे तो हमने इसका कह दिया आई और रोमन में कह दिया एक्स, इसका भी आई और टू, इसकी फर्दर दो पॉसिबिलिटीज आ गई. नेक्स्ट इसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज भी आ सकती हैं, ए लिख लें, इसका ए लिख लें, इसका बी लिख लें, इसका भी ए बी, मतलब हर एक ही नेक्स्ट सब डिवीजन चलती जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लाहौर मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ सेक्स एज मेल्स और फीमेल्स. द मेंबर ऑफ ईच सेक्स मे बी फर्दर डिवाइड सब डिवाइडेड इनटू मार्शल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड. अब यह आपने बेसिकली मैंने फर्स्ट ईयर में जब आपको टेबुलेशन क्लासिफिकेशन सिखाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि फर्दर डिवीजन होती जाती है. अब देखिए यहाँ पे एक आपका बन जाएगा मेल, एक फीमेल की क्लासिफिकेशन हो जाएगी. नेक्स्ट उसके बाद उसमें फर्दर हमने मार्शल स्टेटस लिखना है कि मैरिड है या अनमैरिड है. ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों की सब डिवीजन आती जाएगी. इस तरह से आप सब डिवीजन डिवाइड करते जाएंगे इसको फर्दर. रिजल्ट इनटू द मैरिड मेल्स, अनमैरिड मेल्स, मैरिड फीमेल्स, अनमैरिड फीमेल्स, द मेंबर ऑफ दीज फोर क्लासेस मे स्टिल फर्दर सबडिवाइड अकॉर्डिंग टू एजुकेशन से. अब इसके नेक्स्ट लिटरेट और लिटरेट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं. अब जो मैरिड है उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास लिटरेट है या इलिटरेट है. ठीक है, आगे नेक्स्ट हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते जाते हैं अपने डाटा को. नेक्स्ट है हमारे पास नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजीज. फॉर थियोरेटिकल स्टडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम नोटेशन. अब हर चैप्टर के आपने देखा होगा डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं. सब चैप्टर्स में हमने सेम टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की. देखिए रिग्रेशन है बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी, डिफरेंट नोटेशन थी, सैम्पलिंग में डिफरेंट थी, एस्टिमेशन में डिफरेंट, टेस्टिंग में डिफरेंट. अब हर चैप्टर की अपनी डिफरेंट नोटेशन और टर्मिनोलॉजीज होती हैं. अब इसकी थोड़ी डिफरेंट है, इसको भी जरा ध्यान में आपने रखना, ये आपके लिए न्यू होंगी. फॉर थियोरेटिकल स्टडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम नोटेशंस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस एंड देयर क्लास डिफरेंसेस. द कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सो ऑन आर यूज्ड टू डिनोट द एट्रीब्यूट्स एंड देयर प्रेजेंस. अभी हमने पढ़ा था किसी चीज़ को हम प्रेजेंस और एब्सेंस दो चीज़ में कन्वर्ट करते हैं. अब उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल लेटर्स ए बी होंगे या उसको हम कहेंगे कि हमें प्रेजेंस को शो करते हैं. और ग्रीक लेटर ये याद रखने एम सी क्यूज में पूछा जा सकता है, कैपिटल लेटर्स हमारी प्रेजेंस को शो करते हैं और ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा जैसे कि म्यू हमने सिग्मा स्केल इस तरह की नोटेशन पढ़ी हुई हैं वो हमारे एब्सेंस को शो करती हैं. दस ए विल डिनोट द ऑब्जेक्ट पोजेसेस द एट्रीब्यूट ए एंड अल्फा. अब ये याद रखिए नेक्स्ट उन्होंने फर्दर बताया इसमें से ए हमारा मिसाल के तौर पर होता है जो कि शो करता है पोजेसेस द एट्रीब्यूट ए एंड अल्फा डिनोट दैट द ऑब्जेक्ट डू नॉट पोजेसेस द एट्रीब्यूट ए. B denote the object possesses the attribute B and beta denote the object don't possesses the attribute B. Hence alpha means not A. अभी आपने याद रखना है alpha का मतलब है not A यानी कि absence है A की. Beta means not B, absence है B की. ठीक है, अभी terminologies और definitions आपने देख रहे हैं. Next के बाद आता है class frequencies के हैं. Class frequencies will be denoted by enclosing the क्लास बाय सिंबल इन ब्रैकेट्स. दस ए डिनोट्स. अब ये देखें क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ब्रैकेट्स का यूज किया. क्लास फ्रीक्वेंसी विल बी डिनोटेड बाय इंक्लोजिंग द क्लास बाय सिंबल इन ब्रैकेट्स.
denotes the number of objects suggesting attribute A. Alpha B denotes the number of objects suggesting attribute B but not attribute D. अब इसमें हमारे पास A नहीं है लेकिन B है, और इसमें हमारे पास A है और एट्रीब्यूट A को शो कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स डिनोटेड बाय A B R कार पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स में वो हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं. एंड देयर कंट्रेरी इज डिनोटेड बाय अल्फा बीटा आर कार नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, और जो ग्रीक लेटर्स में वो हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं. जैसे क्लासेस ए बी एंड ए बी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, आर कार पॉजिटिव क्लास, द क्लासेस alpha beta and alpha b represent the negative attributes and called negative classes, and the classes alpha a beta alpha b etc represent the positive as well as negative attributes are called contrary classes. ठीक है, just a b a या फिर a b दोनों का product होगा तो हमारे positive attributes होंगे, alpha beta alpha beta product जो हमारे पास negative attributes होंगे, और जिसमें हमारे पास दोनों तो कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, तो हम कॉन्ट्रेरी क्लासेस कहेंगे. ये डेफिनेशंस आपने याद कर लेने हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या फिर कॉन्ट्रेरी क्लासेस, ये सब क्या होता है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ क्लासेस. ऑर्डर ऑफ क्लासेस इज नोन बाय द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइंग द क्लास. अब हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो स्पेसिफाई करते हैं किसी क्लास को, वो हमारा ऑर्डर ऑफ क्लास कहलाता है. The class specified by the by one attribute is known by as class of order one. ठीक है, अगर हमारे पास क्लास है वन एट्रीब्यूट है उसमें, तो वो क्लास ऑर्डर वन होगा. इसमें दो एट्रीब्यूट होंगे वो हमारा ऑर्डर टू होगा. ये क्लासेस स्पेसिफाइड बाय थ्री जिसमें थ्री होंगी एट्रीब्यूट, वो हमारा और क्लास ऑर्डर थ्री होगा. द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिनोटेड बाय एन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ ऑर्डर जीरो. अब जो हमारा एन जो होता है टोटल होता है वो हमारा ऑर्डर जीरो का होता है. ये भी याद रखना है आपको, जो एन होता है वो ऑर्डर जीरो का होता है. नो एट्रीब्यूट आ सकते हैं जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होते. अब फर्दर उन्होंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन है उसका ऑर्डर जीरो होगा, ए है या अल्फा है सिंपल एक है तो उसका ऑर्डर वन होगा. नेक्स्ट अगर हमारे पास ये देखिए सिंगल सिंगल आते हैं तो ये ऑर्डर वन होंगे, अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं तो ऑर्डर टू होंगे. अच्छा जी, हम देख रहे थे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ऑर्डर जीरो. हमारे पास अगर एन होगा तो जीरो ऑर्डर होगा, अगर ए अल्फा सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट होगा तो ऑर्डर वन होगा, अगर दो एट्रीब्यूट का प्रोडक्ट है तो हमारे पास ऑर्डर टू होगा. और इसका ये हमारे पास एक टेबल बन जाता है. इस टेबल को हम कंटीजेंसी टेबल भी कहते हैं. कंटीजेंसी टेबल को कहते हैं अ टेबल इन विच एट्रीब्यूट्स आर क्लासिफाइड इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल. ठीक है, इसमें देखिए ये रोज है हमारे पास, एक रो सेकंड रो, ये हमारे पास कॉलम्स है. तो कोई भी टेबल जिसमें रोज और कॉलम्स हो तो उसको हम कंटीजेंसी टेबल कहते हैं. ठीक है, अ टेबल इन विच एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है ना हमारे पास, अ टेबल इन विच एट्रीब्यूट्स आर क्लासिफाइड इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल. अब ये देखिए बी है और बीटा है. बी का मतलब है कि प्रेजेंस किसी चीज की, और बीटा का मतलब एब्सेंस. ए का मतलब है कि रूट ए की प्रेजेंस, अल्फा का मतलब उसकी एब्सेंस. और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास हमने ये प्रोडक्ट ये ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है. ए को बीटा के साथ करते हैं तो ए बीटा आ जाता है, अल्फा को बी के साथ करते हैं तो अल्फा बीटा आ जाता है, अल्फा को बीटा के साथ करते हैं तो अल्फा बीटा. और इनका जब हम सम करते हैं ए बी और अल्फा बीटा तो इसको हम बी टोटल में आता है. जब हमारा टोटल करते हैं हम रोज का कॉलम से टोटल करते हैं तो ये बी का इस तरह से आ जाता है. बीटा के लिए इस तरह से आ जाएगा, साथ के इसके ब्रैकेट होंगे भी हमने यहाँ पढ़ा था कि ब्रैकेट किसको शो करती हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी विल बी डिनोटेड बाय इनक्लोजिंग द क्लास बाय सिंबल इन ब्रैकेट. तो भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी टोटल आएगा, ये देखिए टोटल जिसका हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना. अब ये फ्रीक्वेंसी हमारी बी के लिए, क्लास फ्रीक्वेंसी बी है, ये बीटा है, ये ए है, ये अल्फा है, और ये क्लास एन है. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी. इफ वी इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ ऑर्डर जीरो. अब यहाँ भी आपको ये जो एन था ये ऑर्डर जीरो है, ये ऑर्डर वन है सारे, और ये जो दरमियान में ये ऑर्डर टू है. ठीक है, then the in general k attributes the total number of classes frequencies would be 3 raised to power k. thus in case of only one attribute the total number of classes class frequency would be 3 raised to power 1
3 अब इसको भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी तो क्लास हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है आपके पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर के एट्रीब्यूट इज गिवन टू रेस्ट पावर के दैट इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास रेस्ट पावर 2। ठीक है ये के वेरी करता रहेगा अगर किसी का ऑर्डर 2 है तो ये रेस्ट पावर के होगा अगर किसी का हाईएस्ट ऑर्डर 5 है तो ये रेस्ट पावर 5 हो जाएगा। के हमारा शो करता है कि एट्रीब्यूट इसके क्या है कि आपके हाईएस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं इफ एन इज इंक्लूडेड इन द पॉलिसी क्लास देन फॉर के एट्रीब्यूट द नंबर ऑफ पॉलिसी क्लासेस इन द सेम एज द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फॉर द टू एट्रीब्यूट द पॉलिसी क्लासेस एन ए ए बीटा। अभी आप इसको देख लीजिएगा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ से याद रखना है कि आपका जो एन है वो किसके इक्वल होता है यहाँ से देखिए ये टेबल है हमारे पास एन कैसे आता है ए और अल्फा का टोटल होगा तो एन आएगा बी और बीटा का टोटल होगा तो वो भी एन को ही शो करेगा। ठीक है बीटा की प्रेजेंस और बी की प्रेजेंस बी की एक्सेंस को ऐड करें तो एन आएगा ए की प्रेजेंस में ए की एक्सेंस को ऐड करें तो एन आएगा और यहाँ से इनकी जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास ये क्लास फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है यही तो उन्होंने ये वही चीज़ बताई है कि अगर आप ए अल्फा करते हैं तो ये आ जाएगा बी बीटा करते हैं तो ये आ जाएगा इन जो हमारे पास रोज हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास ए आ जाएगा ये भी रो सेकंड रो ऐड करें तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम को करें तो बी आ जाएगा सेकंड कॉलम को करें तो बीटा आ जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा अगर हमें देखनी हो तो क्या होगा हमारे पास अगर हमारे डाटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसका मतलब हमारे डाटा कंसिस्टेंट अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। The class frequency that has been observed in one and same population are said to be consistent if they conform with one another and don't conflict each other. In a study of attributes, no class frequency can ever be हमारे पास class frequency negative नहीं हो सकती। If any class frequency is negative, the data are said to be inconsistent. ठीक है अगर वो कहें कि कोई value negative आ जाती है तो data को show करते हैं inconsistent है। Inconsistency may be due to wrong counting, inaccurate addition or subtraction, or due to misreading. Okay, इसकी वजह से आ सकते हैं कि आप, for example, अगर वो value हो 6 आप उसको read कर रहे हो 8 तो ठीक है misreading की वजह से भी हो सकता है add या subtraction करने की वजह से भी आ सकते हैं जो कोई calculate कर रहा हो वो values इस वजह से inconsistency हो जाता है। The necessary and sufficient condition for the consistency of a set of class frequency is to no ultimate class frequency should be negative. To test the consistency of a data, ultimate class frequency from a given data if any of the ultimate class frequency turns out to be negative, the data will be inconsistent. If no ultimate class frequency is negative, the data is consistent. It's however important to know data consistence or data is no proof. अब ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि in short हमारे पास consistent data वो होता है जिसमें कोई negative value है। Inconsistent वो होता है जिसमें कोई negative value है। ठीक है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है इट्स सैंपल ऑफ साइज एन क्लास फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है इफ इन अ सैंपल ऑफ साइज एन द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट ए बी एंड ए बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब ये आपको पता है क्लास फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट्स के साथ हम शो करते हैं। ठीक है ये सिंपल हमारे एट्रीब्यूट्स है और ये हमारे क्लास फ्रीक्वेंसी इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है जो हमारी सिंपल वैल्यूज होंगी वो एट्रीब्यूट्स हैं और जो हमारी ब्रैकेट्स के साथ आ रही हैं वो क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं। अब प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल पोजेसिंग ए अगर ए हमने शो करना तो ए डिवाइडेड बाय एन हम करेंगे अगर बी को शो करना हो तो बी डिवाइडेड बाय एन करेंगे टोटल अगर ए बी की जो है प्रोपोर्शन को शो करना हो तो ए बी ओवर है। अब आपको पता है प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है किसी भी चीज़ का वेरिएबल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। अब ये एन हम टोटल से डिवाइड कर रहे हैं और नेक्स्ट हम अपने वेरिएबल जो इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे प्रोपोर्शन ऑफ ए बी प्रोपोर्शन ऑफ ए इंटू प्रोपोर्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ ए बी का आपको बताया मैंने बी के प्रोपोर्शन ऑफ ए बी को हम जो लेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी लेंगे और डिवाइड बाई एन करेंगे हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ ए आ जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ ए लिख लेंगे प्रोपोर्शन ऑफ बी लिख लेंगे उनको सेप्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में कंबाइन हो जाएगा। अब ये यहाँ से एन ले जाकर कैंसिल आउट होकर हमारे पास ए बी का ये आ जाएगा। ये दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट तब होंगे अगर हमारी ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो अगर सिंपल सिंगल सिंगल ए बी को हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई एन करें तो वो आ जाए। नेक्स्ट इसका जो है कंटीजेंसी टेबल इसका ये बनता है आप ये भी देख लो एट्रीब्यूट बी और उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस एट्रीब्यूट ए उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस
और यहाँ पे उसकी क्लास फ्रिक्वेंसी आती जाएगी, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा और यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी पीछे जो कॉल हमने देखा था अपना टेबल, यहाँ पे हमने सिंगल जस्ट वैल्यूज को देखा था ए बी। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास आ रहे थे, हमारे पास सेपरेट सेपरेट को हमने मल्टीप्लाई करके बता दिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए बी कंबाइन के। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास ए बीटा के इक्वल आ जाएगा, ये अल्फा बीटा के इक्वल आ जाएगा, ये अल्फा बीटा के इक्वल आ जाएगा, ये अल्फा बी और ये अल्फा बीटा के इक्वल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग्जांपल 15.1, इफ देयर आर 144 एज, अब इसमें हमारे पास एज हैं वो 144 हैं, बीज है हमारे पास 384। नेक्स्ट इसके बाद इन बीज इन 1024 टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 1024। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी ए बीज एंड अल्फा बीटास विल बी देयर फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास हमने उन्होंने कह दिया कि आपने ऐसे इंडिपेंडेंट केस लिया, इंडिपेंडेंट हमने जो ये नीचे देखा था अभी इंडिपेंडेंट के केस में ऐसे लिखे जा सकते हैं, हमने तो ऑलरेडी इसी केस में देखा है, अगर दो हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल्स तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ए बी निकालना है, ए बी को जो है तो सेपरेट लिख लेंगे, ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, बी की भी और एन की भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंडली उन्होंने कहा है अल्फा बीटा विल बी फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट। सबसे पहले तो हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, बीटा और अल्फा की वैल्यू नहीं है। अब टोटल में हम अगर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ टोटल में से बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया हुआ है, अब ये वैल्यूज आ गई है, इसके बाद हम अल्फा बी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा सेपरेट अल्फा बीटा सेपरेट लिख कर एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आज हम 15.1 एग्जाम्पल तक ही देखे हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।